अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट चिराज अनवर विद योर शो लाइव वायर। नाज़रीन, इस सेगमेंट में बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। पिछले वीक मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्म किया इंटरनेशनली, एंड फिर उसको थोड़ा सा रिगेन किया इस वीक, और अब थोड़ा सा रिगेनिंग के प्रोसेस में चल रही है, और आई होप कि इस वीक में ही आगे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि डॉलर थोड़ा सा उसने गेन किया, अपना स्ट्रेंथ दिखाई है, और पेट्रोलियम मसनूआत में थोड़ी सी कमी आई है, जिसकी वजह से गोल्ड मसनूआत में कमी आई है। तो इंटरनेशनल मार्केट का तज्जिया लेते हैं, अशरफ साहब एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं, वो कॉल पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, अशरफ साहब आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी है, दोबारा इनको कनेक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर साहब कनेक्ट कीजिएगा अशरफ साहब को। जब तक हम आपको इंटरनेशनल मार्केट की थोड़ी सी पोजीशन बताते हैं, डाउ जोन्स ने लास्ट जो दिखाया डे पे, वो दिखाया 24,964 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद -1.01% चेंज। और अगर हम नैसडेक की बात करें तो इसमें भी 7,234 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 0.07% चेंज। और अगर हम S&P 500 की बात करें तो 2,716 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद -15.96 पॉइंट्स एंड 0.58% के साथ इसने भी डिक्लाइन दिखाया। और अगर हम रश 2000 की बात करें तो 1529.99 पर इसने क्लोज़ किया विद 13.56 पॉइंट्स नेगेटिव एंड 0.88% से इसने भी डिक्लाइन दिखाया। तो ओवरऑल डिक्लाइनिंग पोजीशन ही है। कुछ मार्केट्स ने अच्छा भी परफॉर्म किया, जैसे कि बोविस्पा, इसने 85,803 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 1,011 पॉइंट्स पॉजिटिव एंड 1.19% इसमें चेंज आया, विच वाज आल्सो पॉजिटिव। इसके अलावा अगर हम काराकास की बात करें तो उसने भी 5,178 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 563 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 12.21% पॉजिटिव इसने ग्रोथ दिखाई। अगर हम चिलेप्सा की बात करें तो 5,673 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद 44.43 पॉइंट्स इसने पॉजिटिव दिखाए विद 0.79% इसने भी ग्रोथ दिखाई। तो ओवरऑल मार्केट ने मिला जुला रुझान दिखाया यूएस मार्केट की अगर हम बात करें। यूरोपियन मार्केट ने जो है वो पॉजिटिव चेंज ज़्यादा दिखाया बनिस्बत यूएस मार्केट के। यूएस मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव चेंज ज़्यादा दिखाया। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें, फुटसी की, जिसका सिंबल है FTSE, तो उसने 7,246 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद -0.89 नेगेटिव एंड 0.01% नेगेटिव चेंज दिखाया इसने। इसके अलावा अगर हम डेक्स की बात करें तो इसने 12,487 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद अनचेंज रही। और अगर कैक की बात करें तो 5,289 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 0% चेंज, क्योंकि अनचेंज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें और मार्केट की, तो FTSE MIB की अगर हम बात करें तो इसने 22,673 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया विद 104 पॉइंट्स पॉजिटिव एंड 0.46% इसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। तो ओवरऑल यूरोपियन मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। एक और अगर परफॉर्मेंस बताऊं जो कि अच्छी रही, वो रही OMX HPI, जो कि 9,968 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया, जिसने 72 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज़ किया एंड 0.74% से ग्रोथ दिखाई इस मार्केट में। तो ओवरऑल यूएस मार्केट के बनिस्बत यूरोपियन मार्केट ने बड़ा अच्छा लास्ट वीक परफॉर्म किया, एंड इसमें ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट रही। यूएस में थोड़े से नेगेटिव रहा, क्योंकि उसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था मार्केट का वो ज़रा अच्छा नहीं रहा। उसके अलावा अगर हम एशियन मार्केट की भी बात करें तो एशियन मार्केट ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई। निकेई की अगर हम बात करें तो 22,601 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद 136 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 0.62% पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई इसने। शंघाई की अगर हम बात करें तो 3,199 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद 14.52 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 0.46% ऑल्सो पॉजिटिव। HSI की बात करें तो 3,181 पॉइंट्स पर इसने क्लोज़ किया विद 307 पॉइंट्स पॉजिटिव विद 1% चेंज। इसके अलावा भी अगर हम ओवरऑल मार्केट की पोजीशन देखें तो सबसे अच्छा बेहतर परफॉर्म किया मलेशियन मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया, ताइवान की मार्केट ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। TW2 की अगर हम बात करें तो 10,000 पॉइंट्स पर क्लोज़ किया इसने विद 275 पॉइंट्स पॉजिटिव। तो ओवरऑल मार्केट की मैंने आपको पोजीशन बता दी, और इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ साहब, कॉल पर दोबारा आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी जनाब। सर, हम इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, व्यूअर्स को बता रहे थे कि सेंटीमेंट्स इंटरनेशनली क्या चल रहे हैं। तो यूएस मार्केट बनिस्बत थोड़ा सा डाउन परफॉर्म किया उसने, और यूरोपियन एंड एशियन मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया थोड़ा। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज इट? देखिए, बात यह है कि ये सारा रिलेटेड जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ है ना, और उन कंट्रीज के अंदर जो है सियासी जहाँ भी जो है थोड़ी सी वायलेशन क्रिएट होती है, कुछ होती है, तो वहाँ का इंडेक्स जो है गिरता है। ये मैं एक पॉलिटिकल व्यू बता रहा हूँ आपको, इकोनॉमिक का जी। ठीक है, उसके अंदर जो है ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और अब यूरोपियन मार्केट में क्योंकि स्टेबिलिटी है काफी वहाँ पे, और वहाँ पे जो है मामला ज्यादा बेहतर हो रहे हैं बनिस्बत अमेरिका के, तो अमेरिका के अंदर एक दो इशू अभी आए थे, टेररिज्म के भी इशू आया, तो उसको देखकर जो है बहुत सारी चीजें नीचे की तरफ गई हैं। वैसे ओवरऑल जो है यूरोपियन मार्केट के अंदर इस्तेकाम रहेगा, और यहाँ पर अमेरिकन मार्केट के अंदर थोड़ी सी मार्केट हमेशा अनबैलेंस रहेगी जब तक अब जो है ट्रंप साहब जो चल रहे हैं वहाँ पे, उनकी हुकूमत उस वक्त तक जो है इस तरह की डिस्टेबिलिटी आती रहेगी। ये सूरत हाल जो है तो वो सर है। ये कहेंगे कि ट्रंप सेंटीमेंट है जो कि मार्केट को परफॉर्म नहीं होने दे रहा, या हम इसको ओवरऑल अगर देखें तो ये भी हो सकता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इकोनॉमी की जरा सी डाउन जा रही है, क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर जो है डिफेंस पे ज्यादा जा रहा है। वो आपकी बात जो है डिफेंस पे एक्सपेंडिचर इस वजह से जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज जो है वो दोबारा जंग की तरफ चली गई हैं, दोबारा जो है उनके मामला उस तरफ जा रहे हैं, जिसमें जो है इससे पहले जो ओबामा साहब थे उनकी पॉलिसीज डिफरेंट थी, उस वक्त जो है उस पर मामला दूसरे हो रहे थे। दूसरी बात यह है कि ट्रंप का फोकस जो है सिर्फ अपनी अपनी कम्युनिटी और अपने उस तरफ चला गया है, सेंशन लगाए हैं, चीजें की हैं, तो ओवरऑल मार्केट पे इस चीज का असर पड़ता ही पड़ता है ना। इसके अंदर अगर इस बात को अगर हम ना रिलेट करेंगे तो कभी भी जो है इकोनॉमी का हमेशा किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हमेशा रिलेटेड होती है वहाँ की सियासत इस्तेहकाम के साथ में। और ट्रंप साहब जब तक रहेंगे यहाँ पे अमरीका की मार्केट आपको हमेशा भी अप एंड डाउन वही नजर आएगी। और इसके बाद इस बार यूरोपियन कंट्रीज के जहाँ पर भी जो है कभी देखें वहाँ पे अगर स्पेन में भी कुछ वाकयात हुए थे, उसके बाद जो है वहाँ की इकॉनमी डाउन हुई थी। और ये मलेशियन गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ देखें गवर्नमेंट इस्तेहकाम के अंदर है, तो वहाँ पर जो है ये सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज हो रही हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें कि हमारे इतनी फ्लक्चुएशन होती है जरा सा चीजों के ऊपर, बातों पर और उसके जो है मामला पर, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह का मामला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर वो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ है, और उसके अंदर इदारों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल जो है मार्केट के अंदर आप देखेंगे हमारा क्या किरदार रह गया, हमारा क्या है, हमारे रुपए की कीमत कहाँ चली गई, ये सारी चीजें रिलेटेड है, रिलेटेड है सर। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज आई है कि जो आपकी डॉलर है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और ऑयल प्राइसेस एंड गोल्ड प्राइसेस उसकी वजह से थोड़ी सी डाउन हुई है ओवरऑल, तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी इकोनॉमी पे आएगा कि हमारी भी कोई मार्केट उठे इसकी वजह से? देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट तो दोनों ही आते हैं। डॉलर की प्राइसेस नीचे जाती है तो एक्सपोर्टर जो है थोड़ा खुश होता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो है प्राइसिंग अप हो जाती है, और अगर डॉलर कम होता है तो रुपये के मुकाबले में तो जो है हमारा इम्पोर्टर जो है वो थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमारे क्योंकि जाहिर बात है कि हमारी करेंसी डॉलर के साथ रिलेटेड है, तो उसके अंदर ये सारे सिचुएशन तो क्रिएट होती रहती है। सही कह, तो ये वाली ये और गोल्ड के अंदर भी है, और इसमें आप देखें ना कि इंटरनेशनली जब परचेजिंग गवर्नमेंट परचेज करती है, अभी जो है बीच में चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की सतह में परचेज कर रही थी गोल्ड, तो गोल्ड जाहिर बात है ऊपर की तरफ जा रहा था जी जी। तो जब भी जो है वही परचेज डिमांड और सप्लाई का जो है वो है सिलसिला, और ये सारी एक्सेल में एक्टिविटी जो है वो गोल्ड और इसके ऊपर जो है ट्रेड हो रही होती है, ये बेसलेस ट्रेडिंग है। इसके अंदर जो है ज्यादातर जो है आप देखें ना जो ग्रोथ इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ जो रिलेटेड चीजें हैं उनके अंदर अब डाउन से फर्क पड़ता है मार्केट को जो है, या आवाम को कुछ लोगों को रिलेटेड बिजनेस को फर्क पड़ता है। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा अगर हम बात करें सर रियल स्टेट के ऊपर, तो रियल स्टेट के हवाले से कल कोई न्यूज आई है मार्केट में, तो वो अगर आप बताएं। किस न्यूज का जिक्र कर रहा है? रियल स्टेट में जो कि आपका ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, इसको इसने डायरेक्ट किया है कि जो आपके बिल्डिंग के जो मामलात हैं बिल्डर्स को कहा है बेसिकली, वो अब जल्दी हल हो जाया करेंगे, जैसा कि पे ऑर्डर का मसला था, तो वो अब विद इन 5 डेज जो है आपकी कंप्लीट होकर आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाया करेगी, एंड यू कैन स्टार्ट द वर्क, विच इज़ अ गुड न्यूज। अच्छी न्यूज तो इस सेंस में होगी कि कानून तो सारे के सारे मौजूद है, लेकिन जब इन पर अमल नहीं होता किसी बात के ऊपर भी, तो उसको आप क्या करेंगे? ऐलानात तो हम सुनते ही रहते हैं, लोग ऐलानात करते रहते हैं, ये कभी कुछ कहते हैं, लेकिन जब वहाँ पे प्रैक्टिकली करने के लिए जाए तो वहाँ पे इस तरह का इम्पैक्ट नहीं आता। इसलिए फौरी तौर पर तो आप नहीं कह सकते कैसे कोई बड़ी अच्छी कोई वो है, लेकिन ये कि असल में तो पाकिस्तान के अंदर या बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारी
डेवलपिंग इंडस्ट्रीज है उसके अंदर तो जो है आपको वन विंडो ऑपरेशन करना चाहिए हर चीज के अंदर ना। अब यहाँ पे जो सेक्टर है सबसे बड़ा सेक्टर है सब जो है ये तामीरात का शोभा है, सबसे बड़ा शोभा है ना, बिल्डर्स का सबसे ज्यादा इकोनॉमी ट्रेड सब कुछ इसी में हो रही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अनसेफ भी यही रहता है। गवर्नमेंट इदारे जो है इसको सिक्योर करने को तैयार ही नहीं है किसी बात के ऊपर भी। अच्छा। बिल्डिंग बनाने के लिए जाए तो कभी कुछ एलिगेशन है कभी कुछ हो जाए, बिल्डर को सब जो है हमेशा अटाप का शिकार रह रहा है। यहाँ पे ये छोटी छोटी जो न्यूज आती है इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा चीज के ऊपर। और है बस अच्छी बात है, क्या करेगा वन विंडो कर ले वाकयातन कर दे तो जवानी जमा खर्च ना रहे। तो एक सर इंटरनेशनल न्यूज भी आपने सुनी होगी कि पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डाल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल पाकिस्तान पे नेगेटिव थोड़ा बहुत तो आया है, बट क्या समझते हैं कि डाल सकेंगे ये लोग वॉच लिस्ट में, टेररिस्ट वॉच लिस्ट में? देखिए मेरे तो अगर वॉच लिस्ट में ये डालते हैं अव्वल तो ये है कि 35 कंट्रीज के अंदर से मेरी इतला के मुताबिक तो ये था कि 35 कंट्रीज में एक कंट्री भी अगर आपके फेवर में जाती है तो फिर ये वॉच लिस्ट आपके ऊपर नहीं लग पाएगी। अच्छा। और अगर ऐसा ही है तो मेरे ख्याल में इतने तो रिसोर्सेज होंगे 35 कंट्रीज में पाकिस्तान के, जिसमें हमारे चाइना ने शायद हिमायत की है हमारी, और हम मलेशिया भी गए थे और हमने तुर्की भी जाके हिमायत लेने की कोशिश की है, और अगर इसका ही कोई हिमायत मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वॉच लिस्ट जो है हमारे ऊपर इम्पोज हो सकेगी। चलें, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज जो कि आपने व्यूअर्स को दी। हाँ, और 3 महीने का वेवर भी शायद अभी सब हो गया है उसमें ना। हाँ जी, 3 मंथ्स का तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, विद इन 3 मंथ्स जो है वो उसको लुक आफ्टर करेंगे एंड आफ्टर 3 मंथ्स वो कोई रिपोर्ट जो होगी वो सामने लेके आएंगे। वो देखे ना, थोड़ी सी इसमें यह है कि ये जो आपको पता है कि ये भी पॉलिटिकल इशू है और इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, इसको सीपीएफ को जो पाकिस्तान के साथ रिलेटेड मामला है उसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं और इसको दुनिया जानती है इस बात को। और जगह आप एक बात अपनी को हमेशा बात को आप समय हमारी जो है लोग नहीं समझते या हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को वो नहीं करती कि हमारी जोग्राफी पोजीशन जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसके अंदर इनका कोई कुछ भी लोग सकता है या कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो हम सीधे सामने खड़े होकर इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जो है सीपेक का मनसूबा जो है वो हमारा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए पूरा वो मनसूबा है, उसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज भी है, सिर्फ अमेरिका नहीं है। अमेरिका का तो उसको इंडिया के साथ मिलने के नुकसान उसको समझता है कि नुकसान हो रहा है, किसी से चाहता है और जिस तरह पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहता है वो उसकी वजह से सारे मामला को ये। इसके अलावा सर ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी हैज ग्रोथ शोन सम ग्रोथ इन इट। जी, तो अशरफ साहब थैंक यू फॉर कमिंग ऑन कॉल एंड डिस्कसिंग ऑल द मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में आपने बड़ा अच्छा बताया हमें कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग इंटरनेशनली उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो आता है पाकिस्तान पे, बट पाकिस्तान ओवरऑल जो है बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट से जो न्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है, बट रिटेलिएशन या उसका कम बैक बड़ा अच्छा करता है पाकिस्तान, जैसा कि आपको एक बैड न्यूज़ के बारे में बताया वॉच लिस्ट में जो डाल रहे हैं पाकिस्तान को। तो उसमें से अशरफ साहब ने बताया कि अगर 35 कंट्रीज़ में से एक भी कंट्री उसको पाकिस्तान को जो है सेफ कंट्री कह देती है, जो कि आई बिलीव चाइना को तो कहना चाहिए, दैट्स वाई दे आर पुटिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन टू आर कंट्री, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई कहीं पे भी नहीं करता जितनी चाइना ने पाकिस्तान में कर दी है। तो आई होप चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, दे आर ऑल्सो अ पार्टनर मेम्बर ऑफ द अथॉरिटी जो कि डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालना या नहीं डालना। तो आई बिलीव इंशाल्लाह हमारे लिए हमें वॉच लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि अभी 3 मंथ की एक्सटेंशन भी हमें मिल गई है जिसमें वो कमेटी जो है पूरी लुक आफ्टर करेगी चीज़ें और फिर जाके एक डिसीजन अपना आवाम तक लेके आएगी। तो आई होप कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रिटेलिएट किया, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ़ौरन पहुंच गए कॉन्फ्रेंस करने इंटरनेशनली बताने के हमने कितना लॉस किया है टेररिज्म की वजह से। वी आर अ पार्ट ऑफ विक्टम्स, एक्चुअली वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ टेररिज्म, वी आर अ पार्ट ऑफ विक्टम। उन्होंने बड़ा अच्छा डिफेंड किया हमारी कंट्री होमलैंड को, और बट हमें हमारी गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लिया भी उन्होंने प्लेटफॉर्म पे बड़ा अच्छा। ख्वाजा आसिफ साहब हो गए और आपके दूसरे मिनिस्टर्स हो गए, दे हैव स्टूड अप फॉर अ कंट्री विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड हमें एक होके कंट्री को आगे लेके जाना है, तो अगर एक होंगे तो फिर ही आगे कंट्री जाएगी। तो उसके अलावा देखा जाए तो और भी न्यूज़ अच्छी आई हैं जो कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तानी इकोनॉमी ने दिस ईयर हैज़ शोन ग्रोथ, और इसने इंक्रीज़ किया है फ्रॉम 1.99 ट्रिलियन लास्ट ईयर टू 2.385 ट्रिलियन। तो हमारी इकोनॉमी ने 2.385 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है दिस ईयर, तो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर व्यूअर्स कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ दिखा रही है। बट हमें जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि आपका करंट एक्सपेंडिचर जो है वो 7% से इंक्रीज़ किया है,
तो विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग थिंग कि ये क्यों इंक्रीज़ किया, इसको रिड्यूस करना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो 1.1% ही रहा है, बट स्टैटिक रहा है, बट क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ हुई है वैल्यू में तो उसका भी वैल्यू जो है इंक्रीज़ करी है। तो ओवरऑल पाकिस्तानी इकॉनमी ने लास्ट ईयर टू दिस ईयर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, बट जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं वो रिड्यूस करने और ग्रोथ को और अच्छा बढ़ाना है, रेवेन्यूज़ को और बढ़ाना है। तो इसी के साथ नाजरीन, इंटरनेशनल मार्केट के सेगमेंट से इतना ही, फिर आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद।